हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मौशमी मिनी पार्क से। और आप सब कैसे हो? तो आप देख रहे हो मेरी कैलेडियम की एक और वैरायटी के प्लांट, जो कि अभी अभी इसके एक पत्ते निकल आए हैं और वो भी एक साल बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मानसून के सीज़न चल रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मेरे गार्डन में आ रही है। कैसे करके मैं वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हूँ आज थोड़ी बहुत वो दिखाने वाली हूँ। उसके साथ साथ कुछ कटिंग्स मैंने ग्रो की है, उनको भी मैं दिखाऊंगी। मेरे पास तीन बड़े बड़े गमले हैं जिनको हम बेंगोलीज मेचला कहते हैं, और ये प्लांट लगाने के लिए बने नहीं, इसमें गाय को खाना परोसा जाता है। तो जाहिर सी बात है, इनमें कोई ड्रेनेज होल नहीं है, तो हर बरसात के मौसम में इसमें बहुत सारे पानी जमा हो जाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज़ की है, तो हर टाइम इसको पलट के मैं पानी बाहर करूँ ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मैंने ये जुगाड़ की है, तो एक कपड़ा लेके ऐसे छोड़ देती हूँ, तो दिन भर ऐसे पानी निकलते रहते हैं। और जब मैं वीडियो करती हूँ ये कपड़ा हटा देती हूँ। तो ऐसे करके मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। तो बरसात के सीज़न में हम लोग तो बहुत सारे कटिंग्स ग्रो करते रहते हैं और वो जल भी जाते हैं आसानी से। तो इस साल गर्मियों में मैं बहुत सारे कोलियस की कटिंग्स ग्रो की थी और वो किसी वीडियो में मैं शेयर भी किया था। तो मानसून के सीज़न में वो कटिंग्स बहुत ही फैल गए हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत कटिंग्स मैं फिर से लेके मैं अलग अलग जगहों पे लगा रखी है और वो भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और कोलियस की कलर भी बहुत ही सुंदर हो गए हैं अब। तो ये है मानसून वाली कटिंग जो कि गमले में मैं लगा रखी हूँ। और इस बास्केट में तो मेरे और भी अलग प्लांट्स थे, सब मैं हटा दिए हैं। तो मुझे अब कोलियास ग्रो करनी है, तो इस गमले में मैंने ये सब कटिंग्स लगा दी है। उसके साथ साथ कुछ पोटैटो वाइन्स की कटिंग्स भी मैंने लगा दी है। तो इस बॉटल में भी, इस पैकेट में भी, ये आटे के पैकेट, इसमें कोलियस के साथ साथ और भी कटिंग्स है, लेकिन आज मैं कोलियस के बारे में बोलूँगी। बहुत ही सिंपल है इसकी कटिंग्स ग्रो करना। कोई भी एक टहनियाँ लो और मिट्टी में लगा दो, बहुत ही आसानी से ये चलता है। लेकिन इसको थोड़ी शेड में रखना पड़ता है, लेकिन अभी मानसून के सीज़न चल रहा है तो मैं कुछ खास नहीं कर रही हूँ, जस्ट लगा दी है। और ये है मेरी संध्या मालती के एक छोटी सी फ्लावर जो कल शाम को खिले थे, और पहली बार खिले हैं तो मेरे लिए स्पेशल है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज मैं थोड़ी अजीब साउंड कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैं नींद से जागी हूँ और वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो को पसंद किए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।